हाय गाइस, एक छोटा सा अपडेट दिखा होगा। अभी जस्ट फीडिंग दिया है हम लोगों ने, लाइट जला रहा हूँ मैं। तो जो इंडियन सोवेनोस था उनको, जो इंडियन सोवेनोस था उसको मैंने ऐड कर दिया है। सो फार डूइंग फाइन, आज फीडिंग भी दिया हूँ, सब लिया आराम से। एंड उधर बाकी का फीस है, रेटेल फार्म शार्क वगैरह। ओके, तो मैं अभी लाइट ऑफ कर देता हूँ। बहुत दिन से फीडिंग देने के बाद मैं हमेशा लाइट ऑफ कर देता हूँ उसको। ओके, हीटर भी ऑफ करता हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कांच में देख सकते हो गाइस, चाइनीज गोरामी। एक वाइट बेटा है यहाँ पर, एंड जो कैंडी बेटा था कहाँ गया, अंदर है अभी, उसको दिखाएंगे बाद में। रेड बेटा भी है अभी मेरे पास। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वाइप करके। मेरा स्टाफ ने मुझे बोला था कि इन्होंने बेबीज दिया है बहुत सारा, मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। ये मेरा श्रिम का टैंक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे बेबीज आप देख सकते, पूरा टैंक में भर गया है। ठीक है, ये देखिए, एंड यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर मेरे पास हमेशा दो तीन वैरायटी का स्नेल्स रहता है। स्नेल्स ले भी शायद ब्रीड किया था, आई थिंक, कोई दिखा नहीं सकता मैं, छोटा छोटा कुछ स्नेल्स भी है। तो आप लोगों ने अगर स्ने श्रिम्स ब्रीड किया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उतना आइडिया नहीं है। वैली लोग फीडिंग लेता है जो मैं फीडिंग देता हूँ, कितना टाइम लगता है इनको बड़ा करने में, मुझे ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो आप लोग में से किसी को भी कुछ पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए स्ट्रीम्स रिलेटेड। एंड यहाँ पर एक और चीज़ हुआ था, ये वाला टैंक पे यहाँ पर कुछ पोलर पैरट था, तो रिसेंटली उन्होंने भी ब्रीड किया था, छोटा छोटा एग्स हुआ था। मैं आपको साइड में क्लिप्स दिखा रहा हूँ, तो बच्चा हैच भी हुआ था। फिर एक्चुअली यहाँ पर तीन चार पोलर पैरट थे, तो अचानक एक दिन सारे बच्चा गायब हो गया, खा लिया होगा आपस में। तो तभी यहाँ से हटा के मैं ये वाला टैंक में इसका भी वाइप कर रहा हूँ। मैं एक सेकेंड यहाँ पर उनको रखा हूँ पोलर पैरट को। यहाँ पर दो पीस है, ये देखिए, एंड मेन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि सिंपल नॉन CO2 टैंक कैसे बनाते हो, तो ये एकदम एकदम सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है इसमें, ना ऑक्सीजन है ना फिल्टर है, प्लांट्स है, नॉन CO2 प्लांट्स हमेशा हम आप लोग का अगर चाहिए तो मेरा शॉप में मिल जाएगा, हमेशा रहता है कोई ना कोई प्लांट। तो उसको बस डाल देते हैं हम लोग पॉट में ऐसे, एंड आप ब्लैक सैंड यूज़ कर सकते हो, वाइट सैंड एंड कंस्ट्रक्शन सैंड भी। कंस्ट्रक्शन सैंड थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एंड बस प्लांट्स ग्रो होने में एटलीस्ट 1 महीना लग जाता है अगर आप अच्छा लाइट दोगे। एंड ये देखिए, वीडो का ऑलमोस्ट सारे कलेक्शन मेरे पास है यहाँ पर, सब टाइप्स का वीडो है। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ एल्बिनो कॉरी, ये भी रिसेंटली आया है, ख़त्म हो गया था लास्ट स्टॉक, बहुत सारा क्वांटिटी में है। ठीक है, यहाँ पर है बहुत सारे। एंड शॉप का अपडेट गाइस, मतलब क्या दिखाऊँ, अभी सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मैं दोबारा अभी ऑर्डर करने बोला, तो दोबारा अभी ऑर्डर बहुत जल्द होने वाला है। जितना भी ऑस्कर था, एलिगेटर, रेड टेल वगैरह, सब ख़त्म हो गए इम्पोर्टेड स्टॉक में। कुछ एक दो पीस लाइक गोरामी ये सब होगा, एंड थोड़ा ठंडा जब जाएगा उसके बाद हम लोग बहुत लेफ्ट साइड वाला जो रैक है वहाँ पर भी पूरा स्टॉक वापस डाल देंगे, अभी थोड़ा कम स्टॉक है।
एंड ये बस अपडेट दिखाने के लिए मैं आपको दिखाया। अच्छा लगता है जब कुछ घर में ब्रीड होता है ना, तो एक मतलब अच्छा फीलिंग आता है। एंड यहाँ कुछ भी हीटर वेटर कुछ लगा नहीं, नेचुरल सेटअप है। इसी में देखिए श्रिम्प लोगों ने अपना ब्रीड किया, छोटा छोटा बेबीज पूरा टैंक में एकदम घूम रहे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एंड जो लोग भी हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो भी आप लोग का डाउट रहता है, तो प्लीज़ रात को 9 बजे के बाद फ़ोन कीजिए। एंड जब हम लोग बिज़ी रहते हैं, तब भी हम लोग हमेशा पॉसिबल जितना होता है हम लोग आपको हेल्प करते हैं। आज ही किसी एक हॉबिस्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, एलिगेटर फ्लोरिडा गार लेके, तो हम लोगों ने कॉल पे उनको समझा दिया क्या करना है। तो एंड जब भी आप लोग कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ज़्यादा मतलब जब सीरियस हो जाते हैं उस टाइम हम आप लोग हमें मैसेज मत कीजिए। पहले से थोड़ा अलर्ट करके आप हमें मैसेज कीजिएगा, तो हम आपका प्रॉब्लम जितना हो सके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक और टैंक है मेरा, इसमें मोस्टली कार्डिनल टेट्रा, नियॉन टेट्रा, चेरी बार, हॉकी स्टिक, गप्पी, जेबरा, हार्ली क्वीन, रेसबरा एंड ब्लड फिन टेट्रा आप देख सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या है, कोली लोच वगैरह है यहाँ पर। आई थिंक मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, यहाँ पर कॉर्नर में है कोली लोच। ठीक है, ये भी वैसा ही सेम सेटअप है। अब बहुत लोग बोल रहा था कि आपका प्लांटेड का सेटअप दिखाइए कैसा ग्रो हुआ है, हम लोग को भी करना है। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो उनका उतना टाइम नहीं रहता है फिल्टर, बट मैं सजेस्ट करूँगा गाइस, देखिए मेरा यहाँ फिल्टर लगा हुआ नहीं है, बट आप लोग अगर करते हैं इस टाइप का सेटअप, तो एटलीस्ट एक हैंग ऑन फिल्टर लगा लीजिएगा, बहुत काम आता है। ठीक है, मैं बीच बीच में साइफून करता हूँ, तो एक हैंग ऑन फिल्टर साइड में लगने से क्या होगा, आपको उतना मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, रमिनोस टेट्रा भी है यहाँ पर, ये देखिए। मतलब क्या होता है, सीन शॉप में बहुत सारा पहला जैसा भी नहीं रहा। ये देखिए कोलीलोज बाहर निकला, बहुत ही कमाल का फीस है, सांप टाइप का पूरा लगता है ये देखिए। तो हम लोग शॉप में मतलब कुछ भी आता है फीस वगैरह, मैं और मेरा जो भागना है, कुछ भी अच्छा लगता है तो हम लोग लेके आ जाते हैं, उसको रखते हैं कुछ दिन, स्टडी करते हैं, अच्छा लगता है रख लेते हैं, नहीं तो फिर सेल कर देते हैं। ठीक है, बहुत टाइप का शॉप में मछली आता है गैस। मतलब पहले क्या होता था, बहुत वेट करना पड़ता था कब मिलेगा फीस क्या, अभी जो भी फीस चाहिए जल्दी मैं खुद लग सकता हूँ। मतलब अभी मतलब क्या बोलो, ऑलमोस्ट बहुत टाइप का फिशेस मैं भी रख चुका हूँ, एंड बहुत सारा ऐसा ऐसा फिशेस आया है तुरंत सेल भी हो गया है, टाइम नहीं मिलता है मतलब उतना। एंड इधर का टैंक भी आप देख सकते हैं। एंड 2022 में स्टार्टिंग में गाइस, मैं शायद कुछ लोग को पता होगा, एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है हम लोग का साथ। मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी बताने का एकदम मूड नहीं है, मैं बाद में किसी दिन बताऊँगा। मतलब बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ का तो अपडेट मैं दिखा दिया, अभी तक सब ठीक है, बाद में उधर का भी अपडेट दिखाऊंगा। एंड शॉप में भी आप लोग थोड़ा टच में रहिए, हमें आप लोग व्हाट्सएप कीजिए आपका नाम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जंक्शन स्टेशन, जो भी बाहर का स्टेट से है, जंक्शन स्टेशन लिख के भेजिएगा, तो हम लोग बता देंगे कि वहाँ डिलीवरी पॉसिबल होगा कि नहीं। बहुत सारा जगह पर, जैसे हम लोग का कलकत्ता में नहीं है शॉप, आसनसोल दुर्गापुर का बीच में, तो हम लोग को आसनसोल से भेजना पड़ता है सारा माल। तो आसनसोल में क्या होता है, बहुत सारे जगह पर बुकिंग नहीं होता है, तो इसलिए आप हमें अपना जंक्शन स्टेशन लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप में, जो भी स्टॉक हम लोग के पास आते रहेगा हम आपको लिस्ट भेजते रहेंगे। एंड ये बीच में बहुत सारा शिपिंग हुआ है, छोटा सा क्लिप मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मतलब हम लोग जनरली गाइस उतना एडवर्टाइज़ नहीं करते, स्टॉक आया है, ये स्टॉक ह्यूज स्टॉक वगैरह उतना हम लोग एडवर्टाइज़ नहीं करते, एंड उतना लार्ज स्केल में हम लोग का बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट 1 साल भी नहीं हुआ है मेरा शॉप, इसी में जितना हो रहा है उसी में मैं खुश हूँ। तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपको कुछ भी स्टॉक आता है तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए श्रीम सब चिल कर रहा है एकदम। तो एक नॉर्मल अपडेट था गाइस, मैं बाद में और वीडियो सभी लाऊंगा। अभी जस्ट देखिए असैसिन स्नेल का, असैसिन स्नेल का काम पता क्या है, अगर आपका स्नेल ज़्यादा हो जाता है टैंक में, तो ये वो स्नेल को मार देगा। ठीक है, स्नेल्स को मारने के लिए ये स्नेल बहुत लोग लेते हैं, दूसरा स्नेल के साथ ये नहीं रहता। तो ये था आज का वीडियो,
आगे और वीडियो आएगा। एंड यहाँ का भी मतलब सब खाली है सेटअप, और भी नया नया फिश आएगा यहाँ पर। सेकंड वाला फिश रूम भी मैं अपडेट दिखाऊंगा बाद में। आज मतलब मेनली श्रिम्प और प्लांटेड सेटअप के लिए बहुत लोग बोल रहा था, तो मैं आप लोग को दिखा दिया। आप लोग को अगर बनाना है इस टाइप का सेटअप तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल एकदम। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे, पीस।